अस्सलाम वालेकुम, मैं रोशन तारिक और यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ब्रास सिविल एविएशन गाफा की जानब से जो है वो सर्कुलर जारी हो चुका है और उसमें बड़ी तफसील से ये बता दिया गया है कि सऊदी अरब में जो बैन अक्वामी परवाज़ें थी वो अब 17 मई से ही बहाल की जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने ये बताया है कि पहले ये तारीख 31 मार्च थी लेकिन अब इसको 17 मई कर दिया गया है। इसके अलावा जिन ममालिक में करोना वायरस की सूरत हाल अब भी ख़राब है उन पर सफरी पाबंदियाँ जो हैं वो बरकरार रहेंगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने गाखा की जानिब से मौसूल होने वाले सर्कुलर की तस्दीक कर दी है और तर्जमान PIA ने भी ये बताया है कि गाखा के ने सऊदी अरब से बैन अक्वामी परवाज़ें ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस की परवाज़ों की बंदिश के हवाले से आगाह कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि बैन अक्वामी परवाज़ों पर पाबंदी में 17 मई की रात 1 बजे तक की तौसी की गई है। यानी 17 मई रात 1 बजे के बाद से जो है ये पाबंदी हटाई जाएगी। अब मज़ीद जो इस बात का फ़ैसला है इसमें तौसी होगी या नहीं होगी ये कोरोना सिचुएशन के बाद की जाएगी। लेकिन एक बात जो गाखा के सर्कुलर में है वो ये है कि जिन ममालिक में भी कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है या सूरत हाल है ख़राब है उनके साथ सफरी पाबंदियाँ वैसे ही रहेंगी, यानी वहाँ से जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं की जाएंगी। ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट। मज़ीद अपडेट हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।